देश में ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम तो हो ही रहा है, साथ ही उसकी क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों का असर ग्राउंड वाटर की क्वालिटी पर पड़ रहा है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल में ग्राउंड वाटर को बचाने के उपाय बताए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के चलते ग्राउंड वाटर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ग्राउंड वाटर में सबसे बड़ी समस्या कंटामिनेशन की है। देश में ग्राउंड वाटर सर्वाधिक रूप से दूषित पाया गया। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और मध्य भारत में पानी की गुणवत्ता काफी खराब है। पिछले दिनों आई सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB की रिपोर्ट के मुताबिक देश के महानगरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर दूषित पाया गया। देश के 27 राज्यों के पानी में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, आयरन और हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, कैडमियम और क्रोमियम निर्धारित मानकों से ऊपर पाए गए। CGWB की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड वाटर का दोहन भी एक गंभीर समस्या है। पानी के दोहन के मामले में राजधानी दिल्ली सबसे आगे है। ग्राउंड वाटर का 50% हिस्सा पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 40% पानी फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों ही रूप में शरीर में जाकर नुकसान ही पहुँचाता है। देश के महानगरों और शहरी क्षेत्रों में भले ही लोगों को पाइपलाइन के जरिए पीने का साफ पानी मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। लोग पीने के पानी के लिए कुओं या हैंडपंप के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे में दूषित पानी उनकी सेहत पर बुरा असर डालता है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।